अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोग सेवन्थ का मैथ कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है इफ़ अ मैन कैन वीव 4450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर। अगर जो एक आदमी है वो इतनी लेंथ के क्लॉथ को 6 घंटों में बुन रहा है, कह रहा हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वीव इन 14 आवर्स। तो हम लोग ने अगर 6 आवर्स में इतना कपड़ा बुनना है तो वो 14 आवर्स में कितना कपड़ा बुनेगा। तो जैसे कि बच्चों हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर टाइम इतने टाइम में अगर इतना कपड़ा बुना जा रहा है, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो इसमें मीन्स वो ज़्यादा कपड़ा बुन सकता है। एक चीज़ के बढ़ने से यहाँ पर दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ कर रही है, तो यानी कि ये डायरेक्टली रिलेशन है। आपको पता है बच्चों वैसे भी जो अननोन है, जो एक्स आप लोगों ने फाइंड करना है, इसके लिए एरो हमेशा ऊपर लगानी है। अगर रिलेशन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो दूसरी एरो भी आप लोग ऊपर लगाओगे, अगर इन्वर्सली रिलेशन होता तो दूसरी एरो नीचे की तरफ आनी थी। उसके बाद कैलकुलेशन करने का वही तरीका है, ये ऊपर वाला हेड नीचे वाली टेल, तो जो टेल वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाती है दोनों तरफ, और बाकी आप लोगों ने एक्स फाइंड करना है। एक्स को एक साइड पर रखें, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ लेके जाएँ, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये एक्स का आंसर आ जाएगा। इसकी तरह बच्चों अगला पार्ट भी आप लोगों ने करना है। कैलकुलेशन करने का तरीका सबका यही है, जस्ट आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, उसी के हिसाब से एरोस को एडजस्ट करना है। कह रहा है इफ़ आ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 मंथ्स, देन द नंबर ऑफ मंथ्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट आ 306 किलोमीटर लॉन्ग रोड। अगर बच्चों 9 मंथ्स में इतना लंबा इतनी लेंथ का रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो बताना है कि अगर रोड की लेंथ 306 किलोमीटर हो तो फिर कितने मंथ्स लगेंगे। अंडरस्टूड बात है बच्चों कि अगर रोड की लेंथ जो है बढ़ा दी जाए तो ऑब्वियसली जो मंथ्स हैं या जो टाइम है वो उतना ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ भी बच्चों डायरेक्टली रिलेशन का रिलेशन है, तो देखें मंथ इतने मंथ से तो इतना लेंथी रोड हुआ, अगर अब ज़्यादा मंथ होंगे क्योंकि अब लेंथ की रोड ज़्यादा हो चुकी है तो इसलिए अब लिहाजा ज़्यादा मंथ लगेंगे। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेना, वैल्यूज पुट कर दें, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना। तो सिमिलरली बच्चों आपके पास जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी इन्वर्स रिलेशन होगा, उसमें भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। उसका रिलेशन बता देता हूँ कि अगर कह रहा 540 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ्स, कह रहा हाउ मैनी मैन शुड बी रिड्यूस्ड रिमूव फ्रॉम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ्स। अब वो कह रहा है कि अगर 540 men जो है वो एक बिल्डिंग को 7 मंथ्स में कंप्लीट करें तो हम कितने आदमियों को कम कर दें कि वह बिल्डिंग जो है 9 मंथ्स में रिड्यूस हो। यानी कि यहाँ पे बच्चों इन्वर्स रिलेशन होगा, अगर आदमी कम कर दिए जाते हैं तो काम कम होगा तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मंथ ज़्यादा होंगे, यानी कि एक चीज़ कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ गई, तो इस वजह से बच्चों ये इन्वर्सरी रिलेशन का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे एरोस ऑपोजिट आएंगी, एक्स के लिए ऊपर को आएंगी और दूसरे के लिए जो है वो उसके ऑपोजिट चली जाएंगी, जैसा कि ये है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है उसी असूल के मुताबिक। तो ये बच्चों आज का काम है, नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।